देवभूमि उत्तराखंड योगेश। तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 4:30 बजे से। 4:30 बज चुके हैं, अभी मैं नहा धो के अब रेडी होता हूँ। फिर मेरे को भोलेनाथ जी के मंदिर भी जाना है। आज है महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो मैं वहाँ पर जाके दिखाऊंगा आप सभी को। तो अभी पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। वो सुबह सुबह रस्टू भी उठ चुका है। रस्टू भोलेनाथ जी के दर्शन करने जाएगा? यहाँ देख, इधर देख, इधर इधर देख। ये देखिए सुबह सुबह उठ के यहाँ पर मस्ती कर रहा है रस्टू। जरा इधर इधर इधर। बोल जय भोलेनाथ, बोल जय भोलेनाथ, बोल 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 जय भोलेनाथ। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं अब भोलेनाथ जी के मंदिर। अब थोड़ा दर्शन करके आते हैं। सुबह नहा लिया है, मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ। बाकी मम्मी भी रेडी हो चुके हैं नहा के, और दीदी भी हो चुकी है, और वो लोग निकल चुके हैं। मैं भी निकलता हूँ फिर। फिर चलते हैं, पहले दर्शन करके आते हैं, उसके बाद बाद में दिखाऊंगा वहाँ का मेला। मेला वहाँ पर मेला भी लगता है, आज के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग बने रहिए ब्लॉग पर। फागुन के महीने में शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को कहा जाता है कि इस दिन को भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो उसके उपलक्ष्य में यह महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ जी के मंदिर, यहाँ बाड़वाला में है, क्योंकि मैं घर आ रखा हूँ ना इसलिए। तो अभी चलता हूँ, अभी रात हो रखी है। तो मिलते हैं आपको आगे। अभी हम यहाँ पर बाड़वाला में स्कूल में पहुँच चुके हैं। तो स्कूल के यहाँ पर पहुँच चुके हैं मम्मी, मैं, आंटी, माईजू, दीदी, सब लोग जा रहे हैं। देखिए रात का व्यू। अभी आगे मंदिर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी जमुना पुल पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ तक लाइन लग रखी है जमुना पुल तक, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ से आप फल फ्रूट ले जा सकते हैं मंदिर के लिए। और देखिए यहाँ तक लग रखी है लाइन। काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। हम सुबह 4 बजे से लगे थे, अंधेरे जब अंधेरा हो रहा था उस समय से लगे हुए थे यहाँ पर भीड़ पे। अभी देखिए कितनी ज़्यादा लाइन आ गई। बाकी अभी तो थोड़ा ही लाइन आ रखी है। यहाँ तो देखिए ना, यहाँ पर दुकान लग रही है अभी। और पीछे भी भीड़ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा है अभी भीड़। और यहाँ पर जमुना पुल जो यहाँ पर है ना, जमुना पुल नीचे पे, मतलब भीड़ तो वहाँ तक लग चुकी है। अभी और ज़्यादा भीड़ बाकी है, मतलब आते रह रहे हैं अभी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी के। सुबह 2 बजे से लेके अब तक चल ही रहे, मतलब यहाँ पर दर्शन करना। तो आप लोग बने रहिए, मैं दिखाते रहूँगा। और आज यहाँ पर मेला भी है भोलेनाथ के अवसर पर। तो वहाँ से सूरज देवता भी आने वाले हैं अभी, अभी तो निकले नहीं हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। और यहाँ पर तो देखिए दुकानें खुलने लग गई है यहाँ पर। अभी मेला लगेगा बहुत बड़ा, वहाँ पर चरखा दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर वो चरखा। और ये बड़ा सा पेड़ और मंदिर है यहाँ ऊपर पर, वो पीछे की साइड से जाएगा मंदिर का रास्ता। वहाँ मुश्किल से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इतने आगे, अब क्या बोलें। ये देखिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस पेड़ के नीचे तक। और सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं अभी हम, मतलब 4 बजे से लगे हुए हैं, 6:30 होने वाले हैं। तो यहाँ पर दुकानें भी खुलने वाली है, अभी धीरे धीरे खुल रही है। बाकी ये देखिए अभी ये पर्दे लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर में मेला स्टार्ट हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं आपको पूरा मेला। और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सूर्य देवता भी आने वाले हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, पीछे देखिए जमुना पुल तक भीड़ है। और अभी थोड़ी देर में सूर्य देवता भी आ जाएंगे। बस अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी मंदिर जाने में काफ़ी टाइम है, मतलब ऊपर काफ़ी भीड़ है ना। तो अभी 7:15 हो चुके हैं। और ये देखिए पहाड़ों में हल्की हल्की धूप आ चुकी है। और यहाँ पर देखिए भाई लोग मतलब फल फ्रूट बेच रहे हैं। और तो ये देखिए यहाँ से धूप आ रही है काफ़ी मस्त अब, और भीड़ तो काफ़ी पीछे तक है अभी। तो अब देखिए अब आ चुके हैं सूर्य देवता, ये देखिए पहाड़ों से निकलते हुए। और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रही है अभी पीछे पीछे तक, ये देखिए पीछे काफ़ी भीड़ है। और दुकानें भी खुल रही है धीरे धीरे, अभी ये वाली दुकान भी खुलेगी। यहाँ पर देखिए सब्जियों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, काफ़ी दुकानें खुल रही है। और अब हम करीब करीब हैं भोलेनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए। अभी आगे है, जो आगे दिख रहा है ना वहाँ से जाना ऊपर की ओर, ऊपर है मंदिर। तो
तो अभी आगे की ओर चलेंगे। अभी 8 बजने वाले हैं, मतलब हमें यहाँ पर 3 घंटे तो हो चुके हैं मामूली, उसके बाद 3 घंटे बाद अभी भी बारी नहीं आई। अब यहाँ पर 8 बज चुके हैं, अभी हम यहीं पर हैं उस समय से, और यहाँ पर दुकानें खुल चुकी है काफ़ी ज़्यादा, बाकी और खुल रही है। अब मंदिर का रास्ता यहाँ से है, ये आगे से यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, और ये रहा मंदिर की भीड़, काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर देखिए मंदिर दिख रहा होगा, और यहाँ पर जल अर्पित करना है, यहाँ पर पीपल का पेड़ है वहाँ पर, तो अभी तो काफ़ी लंबी लाइन है, फिर अभी तो यहाँ पर काफ़ी वेट करना पड़ेगा हमें। जय भोलेनाथ, ये रहा भोलेनाथ जी का मंदिर, श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा हैं शिवरात्रि के महोत्सव पर। जय भोलेनाथ, ये मेला लगेगा यहाँ पर। फाइनली मंदिर के गेट पे पहुँच चुके हैं, यह है भोलेनाथ जी का मंदिर, और यहाँ से है गेट ऊपर जाने के लिए, ये देखिए ऐसा कुछ बना रखा है यहाँ पर अभी, और काफ़ी दर्शक आ रखे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ये ऊपर है भोलेनाथ जी का मंदिर, अभी यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। ये रहा गेट गार्ड वाला का, ये देखिए ऐसा कुछ बना रखा है डेकोरेशन, और यहाँ से है भीड़ लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। ऊपर मंदिर दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर महाशिवरात्रि है। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट भोलेनाथ जी के मंदिर में जाने के लिए, और ऐसा कुछ डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पर महाशिवरात्रि के महोत्सव में। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं सुबह से, मतलब 3 बजे से लगे हैं यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी, और ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, और हम भी 4 बजे से लगे हुए हैं यहाँ लाइन पर, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और आज यहाँ पर शिवरात्रि के महोत्सव में यहाँ पर मेला भी आयोजित किया जाता है, तो मेला भी है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लग रखा है अभी, अभी दुकानें खुल रही है, तो पहले दर्शन करके आते हैं हम। मंदिर में जाने के लिए यहाँ से फूल ले सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और यहाँ से फूल लीजिए। बाकी पीछे देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी श्रद्धालु आ रखे हैं यहाँ पर शिवरात्रि के महोत्सव पे, और भीड़ तो अभी बहुत पीछे तक लगी हुई है। हम भी इसी लाइन से आए, हम सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं लाइन पे, और बड़ी मुश्किल से इस दरवाजे पे पहुँचे हैं। अभी ऊपर भी काफ़ी भीड़ है, ये देखिए अभी हम ऊपर जाके दिखाएंगे आपको। प्राचीन शिव मंदिर प्रवेश कर रहे हैं अब। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चारों धाम, शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीर्थ चार मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा लिया। हम भोलेनाथ जी के मंदिर में एंटर कर चुके हैं, और अभी इतनी लाइन बाकी है, ये आगे से लाइन दिख रही होगी आपको, और ये थोड़ा सा ये लाइन हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से अंदर जाना है, फिर वहाँ से टीका लगाना है, फिर बाहर जाना है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर चढ़ाना है जो जल, जल चढ़ाना है पीपल के पेड़ पर, जल चढ़ाना है, और धूपबत्ती भी वहीं पर जलानी है, बाकी अंदर अभी जलाना मना है, तो यहाँ पर भी जला सकते हैं। तो पहले अंदर जाके दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का सिनेमैटिक शॉट। ये देखिए काफ़ी श्रद्धालु हैं, पीछे भी देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो पहले दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। फाइनली हम यहाँ गेट पे पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। ये
है भोलेनाथ जी का मंदिर, शिव मंदिर यहाँ पर। और ये देखिए दर्शक, देखिए ना आप लोग, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर अभी तो, बहुत है। नीचे नीचे भी काफ़ी ज़्यादा दर्शक हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी भी है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर दूध जलाना है तो पहले दर्शन कर लेता हूँ अंदर जाके, फिर मिलते हैं आपसे। बाकी अंदर से मैं दर्शन करके आ चुका हूँ, प्रसाद ले लिया है, हमने ग्रहण कर लिया है। और ये है मंदिर, पीछे देखिए काफ़ी भीड़ दिख रही है आपको। और यहाँ पर दर्शन करके आ चुके हैं, गंगा जल के आ चुके हैं, तो महाशिवरात्र के आ चुके हैं। पत्ती जला ली है और अभी हम यहाँ पर वहाँ पर भी जाएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पर भी जलाएंगे धूप पत्तियाँ, फिर उसके बाद हम घर की ओर निकलेंगे। पहले धूप पत्ती जला देता हूँ। जलाते हैं अब धूप बत्ती पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पर भी भोलेनाथ शिव जी की मूर्ति है, ये देखिए यहाँ पर। और सारे श्रद्धालु यहाँ पर अभी दर्शन करने के लिए आ रखे हैं शिवरात्रि के महोत्सव पे। यह है पीपल का पेड़ और यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पर भोलेनाथ जी के। और श्रद्धालु देखिए भोलेनाथ जी के, देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम तो सुबह 4 बजे आए थे तो अभी दर्शन करने को मिला, बाकी जो अभी आ रखे हैं उनको तो शाम मतलब 5-6 बज जाएंगे। बाकी दर्शन हो चुका है मंदिर में और पूजा पाठ हो चुकी है, तो अब जाते हैं हम घर की ओर। तो मतलब 9:30 बज चुके हैं, सुबह हम 4 बजे से आ रहे थे, तो 4 बजे से आके अभी मतलब दर्शन करने का मौका मिला अभी कितने बजे, 9:30 बजे। तो अब जा रहे हैं घर की ओर, तो मिलते हैं आपको। अभी नीचे दिखाता हूँ आपको कितने मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, तो मिलते हैं नीचे पे। इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, तो हम तो दर्शन करके जा चुके हैं घर की ओर। और यहाँ पर सब श्रद्धालु देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, तो चलते हैं फिर अभी नीचे की ओर। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। फाइनली बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच चुका हूँ सड़क पे दर्शन करके भोलेनाथ जी के। और यहाँ का थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ अभी, मतलब दुकानें तो खुल रही है, पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर भीड़ और दुकानें दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ये देखिए यहाँ पर मेला लगेगा अभी और लग रहा है दुकानें खुल रही है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत दुकानें तो लग रखी है। बाकी देखिए आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, मतलब सब चीज़ की दुकान है, मैं बाद में आके दिखाऊंगा आपको। क्योंकि अभी मतलब कल सुबह से आ रखे हैं हम, अभी 10 बज चुके हैं, तो अभी घर की ओर जाएंगे ना, तो बाद में आऊँगा मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए। तो अभी इतना देख लीजिए आप लोग, दर्शन तो कर लिए हैं। तो ये देखिए भीड़ देखिए आप, भीड़ दिखाऊंगा मैं आपको कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से आप हलवाई का आनंद लीजिए, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ लग रखी है सुबह से, सुबह 2:30 बजे से, मतलब 2:30 बजे से लग रखी है लाइन, अंधेरा था, 2:30 बजे से लाइन लग रखी है। अभी देखिए अभी तो 10:30 मतलब 10 बजने वाले हैं और इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है अभी, ये देखिए। और बाकी यहाँ पर दुकानें भी सज धज रही है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सामान आ चुका है अभी, और धूप तो मतलब निकल ही चुकी है। बाकी अभी मैं घर जाता हूँ, फिर दोबारा आऊँगा मतलब पूरा मेला दिखाने के लिए आप लोगों को। ये देखिए ये है जमुना पुल हमारा, यहाँ से ले सकते हैं आप प्यारे प्यारे फूल, प्यारे प्यारे सामान मतलब घर के लिए, सजावट के लिए। अभी तो हम घर जा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं हम घर की ओर। ये देखिए मम्मी को भूख लग चुकी है, तनी क्या क्या खा रहे हैं सुबह से।
तो घर पे जाके अब खाना खाते हैं। सुबह से बहुत भूख लग चुकी है। अभी यहाँ पर मम्मी और मैं बैठ रखे हैं, रास्ते में थक लग चुकी है और बेर खा रहे हैं मज़े से। बाकी पीछे से आ रहे हैं आंटी और ये देखिए ये 24 घंटे खाती रहती है। आ गए तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर आम के बगीचे में। ये चारों तरफ आम ही आम के पेड़ दिख रहे होंगे आपको। जब यहाँ पर आम का सीज़न आता है तो ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आम की रखवाली करने आते हैं, जो आम के प्लॉट ख़रीदते हैं, तो वो यहाँ से रास्ता बंद कर देते हैं। बाकी इन पे आम आते हैं, बड़े मीठे होते हैं ये आम, पहले ही तोड़ देते हैं ये लोग पकने से पहले, क्योंकि इसे दवाई डालकर पकाया जाता है ये। और ये देखिए चारों तरफ आम के पेड़ दिख रहे होंगे आपको, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ना यहाँ पर। और अभी तो इसी रास्ते से जाता है हमारे घर की ओर, ये मतलब शॉर्टकट रास्ता है थोड़ा सा, तो वो दूसरा रास्ता है ना जो वो वहाँ से है, वहाँ ऊपर से है, तो हम तो अभी शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर नहर वाली जगह पे। ये देखिए यहाँ से नहर है और इधर उधर धान लगा रखे हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे धान लग रहे हैं यहाँ पर, हरे भरे चारों तरफ। ये देखिए ना यहाँ से रास्ता है, ये बीच से नहर के बीचों बीच रास्ता। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। दिन भर घूमता रहता है, स्कूल स्कूल जाता नहीं है। ये देखिए शक्ल देखिए आप इसकी। तो कुछ कहना चाहोगे वंशु? तारीफ तो आपने कर दी है, मैं क्या बोलूं अपने मुंह से? तो तारीफ कर दी तो क्या हुआ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, मतलब तिराए पे पहुंच चुके हैं, यहाँ आगे पे है तिराए, और उसके बाद जाएंगे हम घर को, खाना खाते हैं, भूख लग गई है, 10 बजने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बिल्ली थी, वो भाग गई है डर के मारे। म्याऊं म्याऊं ले 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 म्याऊं, डरपोक है यार। तो पहुंच चुके हैं हम अपने रास्ते पे, अब काफ़ी अच्छी बन रखी है रोड, काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब पहले ऐसी थी, कच्ची थी यहाँ पर रोड, तो बहुत दिक्कतें होती थी यहाँ पर, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था, लेकिन अब बढ़िया बन गया है और दुकानें भी खुल चुकी है सामने।